आज मैं आप लोगों को स्लीव डिज़ाइन बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए यह आस्तीन है, मैं काट कर रख ली हूँ। अब इसको क्या करना है, 2 इंच चौड़ा से देखिए ऐसे लंबे में 2 इंच चौड़ा कपड़ा काट लीजिए, 2 इंच 2 इंच चौड़ा काट लीजिए और आधा इंच इधर से फोल्ड कर दीजिए और आधा इंच इधर से फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए। 2 इंच चौड़ा और 2 इंच ऐसे लंबा में ऐसे ही 10-20 आप टुकड़े काट लीजिए, ऐसे 10-20 टुकड़े काट लीजिए। अब इसको क्या करना है, देखिए ऐसे तिकोना ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे तिकोने में एक बार फोल्ड की, फिर इसके इसको ऐसे दोबारा फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और दोबारा फोल्ड करके इस पर प्रेस से दबा दीजिए, इसे बैठा दीजिए इसको। ऐसे ही सभी टुकड़ों को ऐसे ही बना लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे तिकोने में फोल्ड कीजिए, फिर दोबारा ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे फोल्ड करके सारे टुकड़े को ऐसे रख लीजिए। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कैसे सिलना है। देखिए एक टुकड़ा ले लीजिए, ये जो तिकोना आप बनाई हैं इस पर इसे देखिए आधा इंच पर यहाँ सिलाई चलाना है, आधा इंच छोड़ के इधर का छोड़ के आधा इंच पर सिलाई चलाना है। ये आस्तीन पर ऐसे रखिए, इतना हम छोड़ रहे हैं ये सिलाई में जाएगा, और यहाँ से हम लगा कर आपको दिखा रहे हैं सिल के। देखिए ऐसे रखिए और बड़े टाके से इसको सिलाई करते जाइए, ऐसे रखिए, एक एक टुकड़ा उठाइए, ऐसे ऐसे उठाइए और रख कर इसे सिलाई करते जाइए, ऐसे रखते जाइए। ये तिकोना और ये तिकोना देखिए मिलाते जाइए और सिलाई करते जाइए। ऐसे पूरे में करना है, आधा इंच छोड़ कर यहाँ सिलाई बड़े टाका से कर लीजिए। देखिए ऐसे रखते जाइए, इस पर एक करके रखना है। देखिए इसे उठाइए और ऐसे करते हुए इसे रखिए, देखिए ऐसे ऐसे बराबर करके रखते जाना है, आधे इंच पर सिलाई करते जाना है ऐसे। देखिए दूसरा टुकड़ा उठाइए, तीसरा उठाइए, इसे उठाते रहिए, इसे लगाते जाइए और आधा आधा इंच पर सिलाई करते जाइए, इसे पूरे में करना है। देखिए ये पूरा सिल कर रख ली हूँ। अब इस पर क्या करना है मैं बता रही हूँ। ये जो पतला टुकड़ा आपको ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, जो आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ये टुकड़ा उठाइए और एक तरफ से इसे यहाँ रखते हुए इस पर सिलाई करते जाइए। देखिए यहाँ किनारे पर, यहाँ किनारे पर सिलाई लगानी है, ऐसे रखिए और सिलाई लगाते जाइए, ऐसे रखिए और सिलाई लगाते जाइए। देखिए इसे यहाँ किनारे सिलाई करते जाइए, देखिए ऐसे सिलाई करते जाइए, ऐसे रख के ये जो आप सिलाई चलाई हैं उसी पर इसको ऐसे लगाइए और सिलाई करते जाइए। देखिए पूरा सिलने के बाद ऐसे हो जाएगा आपका, ये तिकोना अंदर है, अब ये तिकोना ऐसे उठाएंगी तो बाहर हो जाएगा, ये टुकड़ा आपका पीछे की तरफ चला गया। देखिए ऐसे हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ फिर इसके बाद क्या करना है। इसे देखिए ये हो गया। अब एक लंबे टाके से या छोटे टाके से आप इस पर एक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ जो ये किनारा है इस पर ऐसे सिलाई लगा लीजिए। देखिए मैं लंबे टाके से लगा रही हूँ, अंदर की तरफ से तुरपाई कर दूंगी, ये देखिए। देखिए मैं ये सिल कर रख ली हूँ, यहाँ कच्चा टाका लगाई हूँ, बड़ा टाका, इसलिए कि हमें ये इधर से तुरपाई करना है। आप सिल भी सकती हैं ऐसे, देखिए ये सिला गया। अब हमको इस पर क्या करना है, यहाँ मोती लगाना है। देखिए सुई में 4 डबल धागा डाल लीजिए, ऐसे गांठ लगा लीजिए और लगा कर ऐसे देखिए यहाँ पर मोती लगाना है यहाँ पर। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे अंदर से सुई में ऐसे डालिए और यहाँ से निकालिए, देखिए ऐसे ऐसे अंदर करके इसलिए डाल रही हूँ कि यहाँ गांठ है, गांठ अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ कोने पर निकालिए, यहाँ देखिए यहाँ आ गया। अब हमको एक देखिए एक मोती लीजिए, हाँ लेकर ऐसे सुई में डाल दीजिए इसे और यहाँ टाक दीजिए। दो बार इसको कर दीजिए, इसे दो बार करके नीचे की तरफ ले जाइए, देखिए ऐसे टाक दीजिए, ऐसे पूरे में टाकते जाइए,
फिर अंदर से इस सुई को ले जाइए यहाँ, फिर यहाँ निकालिए, देखिए ऐसे डालिए मोती में, फिर यहाँ टाका लगा दीजिए, ऐसे दो बार ऐसे टाक दीजिए, देखिए ऐसे टाकते जाइए पूरे में। मैं टाक कर दिखा रही हूँ, देखिए मैं पूरे में लगा ली हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे आप भी लगा सकती हैं और अपने आस्तीन को खूबसूरत बना सकती हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में।